हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के एसएसटी सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि सीबीएसई द्वारा 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जारी किए हैं। और आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया है सिलेबस से। सो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस बार हमारे एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। दोस्तों, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी लोग अपने एनसीईआरटी की बुक और जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है, जिस भी जो राइटर की बुक है, आपको उठा लेना है और निशान लगा लेना, टिक लगा लेना कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इस बार 2023 के लिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो, और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इतिहास यानी हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी भारत और समकालीन विश्व 2। तो हिस्ट्री से हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो हिस्ट्री से हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना, मैं बताता हूँ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास में आपको टिक लगा लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी अगर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, ये चैप्टर आपका आ रहा है। अंग्रेजी माध्यम में बच्चे निशान लगा लें तो फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये जो है टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम वो है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी चैप्टर आ रहा है। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिल्डिंग, इसी प्रकार से तमाम चैप्टर यानी गांधीवाद, ठीक है, सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सारी चीज पढ़ना है। चैप्टर 2 भी आपका आ रहा है। इसके अलावा इतिहास में चैप्टर 3 यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी इस बार आपको पढ़ना है दोस्तों। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको, ये भी निशान लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 4 जो है औद्योगिकरण के युग, यहाँ द औद्योगिकरण के युग पढ़ना है, इंग्लिश में है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर भी निशान लगा लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 के दोस्तों मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये चीजें भी आपको इतिहास से पांचों चैप्टर आपको पढ़ना है इस बार 2023 के एग्जाम को लेकर दोस्तों। तो इतिहास का हमारा पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे टोटल। इसके अलावा हम बात करते हैं भूगोल यानी समकालीन भारत, ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले चैप्टर संसाधन और विकास यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर आपको कर लेना है, ठीक है, कंप्लीट ये सुनिशा लगाना है। दूसरा चैप्टर आ रहा है दोस्तों आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, जी हाँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है आपका आ रहा है। इसके अलावा चैप्टर 3 दोस्तों जल संसाधन, जी हाँ, वाटर रिसोर्सेज भी आपको पढ़ना है, जल संसाधन पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि पर भी आपको टिक लगा लेना, ये भी आपके एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जी हाँ, खनिज यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी आ रहा है, चैप्टर 5 भी आ रहा है। चैप्टर 6 भी आ रहा है विनिर्माण उद्योग, जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आ रहा है, चैप्टर 6 भी दिया गया इस बार। और 7वां है दोस्तों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जी हाँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भी आपको पढ़ना है, ठीक है। द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, रोडवेज, ठीक है, रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, मेजर स्पोर्ट्स, एयरवेज, कम्युनिकेशन, ये सारा यहाँ से कर लेना है। यानी इतिहास और भूगोल में अगर हम बात करें तो कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक तीसरा, जिसका नाम है राजनीतिक शास्त्र यानी लोकतांत्रिक राजनीति, जी हाँ, लोकतांत्रिक अगर हम राजनीति की बात करें दोस्तों, तो लोकतांत्रिक राजनीति में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीति क्या है, पावर शिफ्टिंग यानी, हाँ, पावर शेयरिंग, माफ कीजिएगा, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी आपको पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में, ठीक है दोस्तों, मेजर जर्नलिज्म इन श्रीलंका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये सारी चीज हमको पढ़ना है इस चैप्टर से। इसके अलावा संघवाद, संघवाद पढ़ना है दोस्तों, समाज में फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है, व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, ये सारी चीजें पढ़ना है, चैप्टर 2 भी आपको करना है करना है। इसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर 3 नहीं पढ़ना है, पार्ट 3 आपका नहीं आ रहा दोस्तों, पार्ट 3 नहीं आ रहा तो सीधा कौन सा पार्ट 4 पे आ रहा है आपको, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये आपका आ रहा है, पार्ट 3 नहीं आ रहा है,
पार्ट तीन को कार्ड, अगर पार्ट तीन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट तीन क्या है दोस्तों, लोकतंत्र और इसकी विविधता, ये आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। पार्ट चार आ रहा है जाति धर्म और लैंग्वेज से आ रहा है। इसके अलावा पार्ट पांच भी आपका नहीं आ रहा है। पार्ट पांच में अगर हम बात करें तो पार्ट पांच के चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, जन संघर्ष और आंदोलन, ये चैप्टर नहीं आ रहा है। पार्ट पांच नहीं आ रहा है, पार्ट छह आ रहा है, ठीक है। तो राजनीतिक दल ये आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों पार्ट सात आ रहा है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है। पार्ट सात आ रहा है लोकतंत्र के परिणाम, पार्ट आठ नहीं आ रहा है, ठीक है। पार्ट आठ नहीं आ रहा है, ठीक है। पार्ट पांच नहीं आ रहा है, तो ये तीन पार्ट नहीं आ रहे, पांच नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा है और आठ नहीं आ रहा है। ये तीन चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस से नहीं आ रहे, इस पे आपको निशान लगा ले दोस्तों, कौन को जो भी आ रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद अगर आप अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों, तो अर्थशास्त्र में विकास यानी डेवलपमेंट आ रहा है आपका चैप्टर वन। चैप्टर टू के अगर भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र आ रहा है, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर मुद्रण और साख, मुद्रण और साख आ रहा है, ठीक है। चैप्टर फोर अगर हम बात करें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो टोटल चार चैप्टर यहाँ से आपके आ रहे हैं अर्थशास्त्र। और पांचवा चैप्टर जो है दोस्तों उपभोक्ता और अधिकार, ये केवल प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, पढ़ना तो आपको है बट ये केवल प्रोजेक्ट वर्क है। तो यानी अर्थशास्त्र से चार पार्ट आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी दोस्तों अगर हम बात करें तो एक दो तीन चार पांच पार्ट आ रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सारे चैप्टर आ रहे हैं। तो ये आपके एसएसटी का टोटल पूरा सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। अगर हम मैप वर्क की बात करें तो मैप कहाँ कहाँ से आपको आ रहे हैं, तो मैप एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैप आ रहा है इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जितनी भी आ रही है वहां से मैप पूछा जाता है, जैसे कलकत्ता नागपुर मद्रास सेशन से क्वेश्चन जो है मैप में आ सकता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कौन कौन से सेंटर रहे इम्पोर्टेंट इंडियन जो मूवमेंट के, वो चंपारण जो है, केड़ा है, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चोरी, यहाँ से डांडी, यहाँ से मैप में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी चैप्टर वन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मैप आएगा, चैप्टर थ्री वाटर रिसोर्सेज से मैप आ सकता है, चैप्टर फोर एग्रीकल्चर से मैप आ सकता है एंड चैप्टर फाइव मिनरल्स एंड एनर्जी से मैप आएगा। मैप टोटल पांच नंबर का आएगा दोस्तों। तो ये टोटल मैप के चीज जहां से मैप पूछे आएगा दोस्तों, कंप्लीट यानी टोटल जो है आपका पेपर 80 नंबर का होगा, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका दोस्तों प्रैक्टिकल होगा, उसमें 5 नंबर प्रोजेक्ट को होंगे, कुछ इंटरनल असेसमेंट को होंगे। तो इस तरह से आपका पेपर इस बार का डिजाइन किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर क्लास 9 क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी हम लाइव क्लासेस देने वाले दोस्तों, तो द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की दोस्तों नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आप सभी के सामने उपस्थित हो सके। आज मैं इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।